नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के दुधनीवासा गांव में दीक्षांत ट्रैवल्स की एक बस पलटी होते 8 लोग हुए थे घायल। मौसम विभाग द्वारा तेज हवा और बारिश की चेतावनी के चलते वलसाड जिला के समंदर तट पर नाव को रखा गया सुरक्षित। दादरा नगर हवेली के सामरवानी पंचायत में स्वच्छता के थीम पर रंगोली स्पर्धा का किया गया था आयोजन। अब समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली के दुधनी वासदा गांव में दीक्षांत ट्रैवल्स की एक मिनी बस पलटी होते बस में सवार यात्रियों में से 8 लोग हुए थे गंभीर तरीके से घायल। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में रविवार को देर रात एक दुर्घटना घटित हुई थी। दीक्षांत ट्रैवल्स की एक मिनी बस मार्ग के ऊपर से पसार हो रही थी, उस दौरान ये बस पलटी हो जाती। बस में सवार यात्रियों में से 8 यात्री गंभीर तरीके से घायल हुए थे, जबकि 6 घायल लोगों को खानवेल सरकारी अस्पताल में भेजा गया था तो 2 से ज्यादा को सिलवासा सिविल में भेजा गया था। पर इस दुर्घटना में सदनसीब से कोई जानहानि नहीं हुई थी। दादरा नगर हवेली के दुधनी से ऊपरी हिस्से में वासदा गांव में ये दुर्घटना घटित हुई थी। गुजरात के समंदर किनारे तेज हवा और बारिश की चेतावनी को लेकर राज्य के मछुआरों को बंदर के पास नावों को सुरक्षित जगह पर रखने की सूचना मिलते ही वलसाड जिले की सभी नावों को तटीय क्षेत्र में सुरक्षित तरीके से रखी गई। राज्य मौसम विभाग द्वारा अरबी समंदर में तेज हवा और बारिश की चेतावनी दी गई थी, जिसको लेकर वलसाड जिले के 800 से ज्यादा नावों में से 400 नाव जखौ बंदर पर रखी गई है। साथ ही महाराष्ट्र के विविध बंदरों पर भी नावों को भी सही सलामत तरीके से रखी गई। जनवरी महीने में मच्छीमारी करने का सबसे ज्यादा अच्छा मौसम माना जाता है, पर 3 दिन तेज हवा और बारिश की चेतावनी मिलते मछुआरों द्वारा समंदर के पास के सभी बंदरों पर सुरक्षित तरीके से नावें लगाई गई। मौसम विभाग द्वारा राज्य के विशाल समंदर तट पर 70 किलोमीटर की तेज गति से हवा चलने की और बारिश गिरने की चेतावनी दी गई है तो राज्य के सभी बंदरों के साथ वलसाड जिले में भी वलसाड समंदर तट पर नाव को रख दिया गया होने का अग्रणी मगन भाई टंडेल ने बताया। साथ ही मौसम विभाग द्वारा राज्य में वक्त वक्त पे मौसम को लेकर अलर्ट करने के लिए आभार भी व्यक्त किया गया। वलसाड जिला 700-800 बोटों हाल फिशिंग व्यवसाय में जोड़ायेली है, एमा 300 जेटली बोटो वलसाड जिला बंदर धोलाई बंदर है एना उपर फिशिंग कर रही है। अने जारे सरकार श्री आ एलर्ट जाहिर कर्यो त्यारथी 150 जेटली बोटो हाल धोलाई बंदर पर आवी पहुंची है और बाकीनी जे बोटो अरबी समुद्र में जे छे ए लगभग कोड़ीनार अने वेणावड़ बंदरे पोते सेफ साइट पर अत्यारे पहुंची गया है। अने बाकीनी जे बोटो महाराष्ट्र में जे धंधो करे छे ए बोटो ने पण हवामान समाचार मळता अने अरबी समुद्र थोड़ो रफ जणाता ए लोको पण महाराष्ट्रना जे बंदरो छे खास करीने जंजीरा छे त्यार पछी पाउच छे रत्नागिरी छे ए बंदरो पर पोते पण सेफ साइट थई गया छे। 80-90 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને અમુક જગ્યા ઉપર ભારે અને અતિભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી હતી, એને લઈને ફિશરમેનો પોતે સેફ થવાના પ્રયત્નો પણ કરી રહ્યા છે અને મોટેભાગે લગભગ 90-95% ફિશરમેનો અત્યારે દરિયામાં કોઈ નથી અને મોટેભાગે બંદરે ઉપર પહોંચી ગયા છે। જનરલી જોવા જઈએ તો મકર સંક્રાંતિ ઉપર થોડો પવન રહે છે અને જાન્યુઆરી મહિનો એ અમારો આજીવિકાનો મૂળ ધંધો છે અને આ ધંધામાં હવામાન બગડતું નથી અને અમને થોડીક મચ્છી પણ મળી જતી હતી, પણ આ વર્ષ જે નવું વર્ષ 2022 જે આવ્યું અને એ જાન્યુઆરી મહિનામાં પણ આ રીતે જો આગાહી મળતી હોય અને હવામાન દ્રપ થતું એટલે આ તો કુદરતી આફત કહેવાય અને આ કુદરતી આફતનો માર એ ફિશરમેનો ઉપર પડે છે ત્યારે ફિશરમેનો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહ્યા છે અને સાથે સાથે કોરોનાની મહામારી અને આ કુદરતી આફત એટલે ફિશરમેનોની પરિસ્થિતિ થોડી દયનીય બની છે। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सामरवरणी और मसाट पंचायत द्वारा स्वच्छता के थीम पर रंगोली स्पर्धा का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सामरवरणी में आए हॉल में छात्रों को स्वच्छता के बारे में संदेश देने हेतु रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया गया था। छात्रों ने सुंदर तरीके से रंगोली बनाकर लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का पैगाम दिया। सामरवरणी और मसाट दोनों पंचायतों ने मिलकर
ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इस अवसर पर मसार पंचायत के सेक्रेटरी रमेश पटेल ने बताया कि इस रंगोली स्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 26 जनवरी के रोज सरपंच श्री के हाथों प्रोत्साहित किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पंचायतों द्वारा विविध गतिविधियों के माध्यम से फिलहाल तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे दादरा नगर हवेली दीप दमन और दादरा नगर प्रशासक और जिला पंचायत के आदेश अनुसार उसके दिशा निर्देश में स्वच्छता का अभियान चला रहा है। उसके माध्यम से ये रंगोली के माध्यम से हम सभी हमारे पंचायत के जनता को ये संदेशा देना चाहते हैं कि हमारे हर गांव में सूखे और गीले कचरे का अलग अलग तरीके से निपटान हो और गीले कचरे का प्रोसेसिंग करके उसका फर्टिलाइजर बनाया जाए और सूखे कचरा है उसका भी रिसाइकलिंग करके कुछ अच्छी चीज़ें बनाई जाए। ये संदेशा हम सभी दोनों पंचायत के माध्यम से देना चाहते हैं और ये सभी जो बच्चे हैं उन बच्चों को 26 जनवरी को कोई प्रोत्साहित इनाम की भी व्यवस्था करेंगे, वो सरपंचों के हाथों उसको सभी बच्चों को सम्मानित करेंगे। वलसाड शहर होटल संचालकों के साथ नाइट कर्फ्यू की अमलवारी के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए सिटी पुलिस थाने में DYSP की अध्यक्षता में एक बैठक का हुआ था आयोजन। वलसाड शहर और जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वलसाड और वापी शहर के साथ राज्य के 17 शहरों में 22 जनवरी से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। तो वलसाड शहर में नाइट कर्फ्यू की अमलवारी शुरू होने के साथ आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए सिटी पुलिस थाने में रविवार को DYSP मनोज सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें होटल संचालकों को नाइट कर्फ्यू की अमलवारी कराने के लिए रात को 10 बजे के बाद होटल में सिर्फ पार्सल सेवा शुरू रखने का सूचन दिया गया था, जिसके सामने होटल संचालकों ने भी नाइट कर्फ्यू में छूट देकर होटलों को 10 की जगह 11 बजे तक चालू रखने के लिए और होटल में खाना खाने देने के लिए परमिशन देने की बात रखी थी। हमें लोगों ने DYSP चावड़ा साहब से मीटिंग करी थी। ये मीटिंग ने अंदर चर्चा थी कि सरकार ने गाइडलाइन प्रमाणे 10 वाग्या सुधी 75% કેપેસિટી ની અંદર માણસોને બેસાડવાના, કસ્ટમરને બેસાડવાના, રાતના 10 થી 12 વાગ્યા સુધી અમે હોટલ રેસ્ટોરન્ટવાળા કસ્ટમરના ઘરે પાર્સલ સર્વિસ પહોંચાડીશું। નાઇટ કર્ફ્યુના લીધે કરીને અમારા ધંધા એમ જ છેલ્લા 2 વર્ષથી તૂટી ભાંગ્યા હતા અને આ રાતના 10 વાગ્યા સુધીનું કર્ફ્યુ આવ્યું એની અંદર 40% પણ ધંધો હવે રહેશે નહીં। અમે સરકાર પાસેથી તો એવી જ અપેક્ષા રાખીએ કે એટલીસ્ટ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટની અંદર રાતના 11 વાગ્યા સુધી કસ્ટમરોને જમવા માટેની પરમિશન મળે તો વધુ સારું રહેશે કે થોડું ધંધો અમને મળે। છેલ્લા 2 વર્ષના કોરોનાકાળની અંદર હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટના ધંધા તો સાવ જ મરી પરવા રહ્યા છે। પાટી શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ કી મનાઈ ગઈ જન્મજયંતિ। 23 जनवरी को पाटी शहर कांग्रेस समिति द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पाटी शहर कांग्रेस प्रमुख बिपिन भाई एम पटेल, वर्षा नगर पालिका दंडक नरेश भाई जोगी, सभ्य जितेंद्र भाई भंडारी, पूर्व युवा प्रमुख पाटी हितेंद्र भाई भगत, युवा नेता सौबान शेख, आशीष भाई हड़पति, कार्यकर्ता कपिल भाई हड़पति, धर्मेश भाई हड़पति, भरत भाई भगत, मोहन भाई हड़पति, असलम भाई, सेवादल प्रमुख गौरव भाई दुबे इत्यादि उपस्थित रहे थे। 25वीं जन्म जयंती निमित्ते पार्टी शहर कांग्रेस समिति समग्र भारत देश तथा विश्व में वसता तमाम भारतीयों ने खूब खूब शुभकामनाएं पाठी छे। वापी भड़कमोरा शिवसेना कार्यालय पर बाला साहेब ठाकरे और सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के अवसर पर हेल्थ चेकअप के एवं रक्तदान शिविर का किया गया था आयोजन। वापी भड़कमोरा शिवसेना कार्यालय पर पिछले 32 सालों से बाला साहेब ठाकरे और सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती को मनाया जाता है, तो इस साल भी जन्म जयंती के इस अवसर पर रक्तदान शिविर, हेल्थ आई डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। रक्तदान शिविर में वापी के रक्तदाताओं ने हिस्सा लेकर रक्तदान कर मानवता को महकाया था।
इस अवसर पर शिवसेना के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे थे और इस आयोजन को सफल बनाया था। इतना है ये एक दो दिन आता है ना ये दिख रहा है वापिस शिवसेना प्रमुख और शिवसेना के कार्यकर्ता ने जो ये ब्लड का कैंप का आयोजन किया है उसके लिए खूब खूब अभिनंदन और हर साल ऐसे करते रहे ऐसे आशा रखता हूँ। मेरा नाम राजू भाई माने वापिस शहर शिवसेना शहर प्रमुख 32 साल से शिवसेना जो बाबा साहब का जन्मदिन बनाती है और हम ऐसा बनाते रहेंगे। सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन है उनका भी मनाते साथ साथ और आज हमने इस शुभ अवसर पर ब्लड कैंप का आयोजन किया है फ्री चेकअप का भी आयोजन किया है और आज ब्लड कैंप का हम 300 का टारगेट रखे हैं। वापी की टीम और बलसर की टीम सब मिलकर ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं और ये आशा करता हूँ कि हमारा 300 का टारगेट पूरा हो। जय हिंद जय गुजरात। श्री हिंदवी सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे के जन्म उत्सव पे आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप और जनरल हेल्थ चेकअप कैंप है। मैं डॉक्टर अशोक जायसवाल संवेदना हॉस्पिटल से जनरल हेल्थ चेकअप के लिए आया हूँ। हर बरस शिवसेना शाखा वलसाड़ की तरफ से ये आयोजन किया जाता है। इसमें मैं हर साल अपनी तरफ से सेवा निःशुल्क सेवा यहाँ पे प्रदान करता हूँ। शिवसैनिक जो शाखा है वलसाड़ वाली ये काफ़ी सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव हैं। ये लोग तन मन धन से ये लोग काफ़ी सेवाएं करते हैं। संवेदना हॉस्पिटल की तरफ से भी इनको बाकी सेवाओं के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। आयोजन काफ़ी अच्छा है, लोगों का अच्छा प्रतिसाद है और कैंप अच्छी तरह से चल रहा है। समाचारों के अंत में आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के दुधनी वासा गांव में दीक्षांत ट्रैवल्स की एक बस पलटी होते 8 लोग हुए थे घायल। मौसम विभाग द्वारा तेज हवा और बारिश की चेतावनी के चलते वलसाड़ जिला के समंदर तट पर नाव को रखा गया सुरक्षित। दादरा नगर हवेली के सामरवर्णी पंचायत में स्वच्छता के थीम पर रंगोली स्पर्धा का किया गया था आयोजन। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।